नमस्ते, पिक्चर रिकैप्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं स्प्री नामक एक हॉरर क्राइम कॉमेडी फिल्म के बारे में बताऊंगा। बिगाड़ने वाले आगे सावधान रहें और ध्यान रखें। और बॉबी को उसकी राय के लिए बुलाता है, लेकिन दुख की बात है कि वह कर्ट की ट्रिपल हत्या को नहीं देख पाता है। उसने स्ट्रीम देखना बंद कर दिया क्योंकि कर्ट को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कर्ट यह जानना चाहता है कि बॉबी ने अभी तक उसे कोई धन्यवाद क्यों नहीं दिया जैसा कि उसने वादा किया था। और बॉबी उससे कहता है कि उसे जेसी की तरह बनना चाहिए क्योंकि वह प्रामाणिक लगती है। कर्ट फिर से जेसी के सोशल मीडिया की जांच करता है, लेकिन ईर्ष्या के कारण वह सबसे घटिया तरीकों से कड़वी टिप्पणी करता है, जैसे यह कहना कि वह अपनी कहानियों को लंबवत रूप से फिल्माती भी नहीं है। जब दुखी कर्ट उपनगरों में एक घर की ओर चला जाता है तो जेसी मारियो और कर्ट को जलाने के लिए कार में ली गई वीडियो पोस्ट करती है। फिर वह अपने सोशल मीडिया के लिए इसे रिकॉर्ड करते हुए उसकी अच्छी देखभाल करने के लिए अपनी दादी से मिलने जाती है। अचानक दरवाजा बजता है और वह चिंतित हो जाती है क्योंकि वे किसी की उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन यह सिर्फ एक साथी स्टैंड अप कॉमेडियन माइक है जो काम से संबंधित कुछ चीजों पर चर्चा करना चाहता है। यह पता चला है कि कर्ट बॉबी से मिलने जा रहा है, जो कर्ट को दूर जाने के लिए कहता है क्योंकि वे सहयोगी या दोस्त नहीं हैं। और यह सब कैमरे के सामने कहा जा रहा है ताकि उसके प्रशंसक उसकी स्ट्रीम पर सुन सकें। जब कर्ट मदद की मांग करने के लिए करीब आता है तो बॉबी उसका अपमान करता है और बॉबी के प्रशंसक अंतः तर्क का दूसरा पक्ष देखने के लिए कर्ट की स्ट्रीम पर जाते हैं। कर्ट ने अचानक बॉबी पर चाकू से वार कर दिया क्योंकि उसकी धारा अंतः दोहरे अंक तक पहुंच गई। बॉबी बंदूक से अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद कर्ट उस पर हावी हो जाता है और उसे मार डालता है। हालांकि उसके दर्शकों का मानना है कि यह सब नकली है। कर्ट ने बॉबी की फीड पर अपनी स्ट्रीम होस्ट करके 3 अंकों में छलांग लगाई और यहां तक कि सभी खून से छुटकारा पाने और बॉबी की चीजों को देखने के लिए खुद को स्नान करते हुए रिकॉर्ड किया। उसी समय उसके पिता ने उसे संदेश भेजा और कहा कि उसे एक कार्यक्रम में जाने के लिए सवारी की आवश्यकता है। सबसे पहले कर्ट उसकी मदद नहीं करना चाहता क्योंकि वह जेसी के शो में जाना चाहता है, लेकिन जब क्रिस बताता है कि वह एक प्रसिद्ध डीजे से मिलेगा तो चैट में नाम पहचान लिया जाता है और कर्ट मौके का फायदा उठाता है। कर्ट क्रिस को उठाता है और उनके पिता पुत्र का रिश्ता अजीब है, जिससे वे तुरंत बहस में पड़ जाते हैं। कार में बॉबी की बंदूक देखकर क्रिस हैरान हो जाता है और इसके लिए अपने बेटे को डांटता है, जिससे एक और लड़ाई शुरू हो जाती है जो तब तक नहीं रुकती जब तक उन्हें बंदूक छिपानी नहीं पड़ती क्योंकि पुलिस पास में है। जब वे अंतः क्लब में पहुँचते हैं तो उनकी मुलाकात यूनो नामक प्रसिद्ध डीजे से होती है और वे उससे पूछते हैं कि क्या वह एक पोस्ट में कर्ट के चैनल को टैग कर सकती है। सबसे पहले वह ना कहती है, लेकिन फिर वह वहाँ रहने से थक जाती है और अगर कर्ट उसे टैको ट्रक तक ले जाता है तो चिल्लाने के लिए सहमत हो जाती है। आखिरकार उन्हें एक टैको ट्रक मिल गया और यूनो ने कर्ट से उसकी तस्वीरें लेने और फिर सौदे के हिस्से के रूप में उसके लिए कतार में इंतजार करने की मांग की। कतार काफी लंबी है, इसलिए कर्ट ग्राहकों को डराने के लिए कुछ घृणित कहानियां साझा करता है। इस बीच यूनो कार के चारों ओर देखती है और कर्ट द्वारा बॉबी से ली गई बंदूक ढूंढती है, जिसे वह कुछ सेल्फी लेने के लिए सहारा के रूप में उपयोग करती है। फिर वह थोड़ा पानी पीती है, लेकिन यह कर्ट के विशेष पेय में से एक बन जाता है और वह तुरंत बेहोश हो जाती है। जब तक कर्ट खाना लेकर कार में वापस आता है, तब तक यूनो एक शरीर के अलावा कुछ नहीं रह जाता और वह जल्दी से पानी की बोतल से छुटकारा पा लेता है। दुर्भाग्य से इस पर पुलिस का ध्यान जाता है, जो कर्ट से फीड संयम परीक्षण करने के लिए कहते हैं, जबकि कर्ट दिखावा करता है कि यूनो उसकी लड़की है और वह बस सो गई थी। अचानक यूनो जाग जाती है क्योंकि उसने पूरी तरह से मरने के लिए पर्याप्त शराब नहीं पी थी और पुलिस को देखकर वह घबरा जाती है और भागने से पहले एक को गोली मार देती है। पुलिस वालों में से एक उसके पीछे जाता है और जब कर्ट अपनी कार में भागने का मौका लेता है तो उसका भी पीछा किया जाता है। यह सब उनके लाइव स्ट्रीम दर्शकों को क्विंटुपल अंकों में बढ़ा रहा है। पुलिस को खोने के लिए बेचैन कर्ट एक पागल की तरह गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और एक बेघर शिविर को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, जिससे उसकी कार पलटने से पहले जानबूझकर कुछ लोगों की मौत हो जाती है। इस बीच जेसी को माइक ने अपने शो में शामिल होने का मौका दिया, जो उसे परेशान करता रहता है और कहता है कि उसके पास सभी प्रकार के संपर्क हैं। यह लड़का उसके सामने एक छोटी सी शुरुआत भी करता है, लेकिन दर्शकों में से किसी को भी हंसा नहीं पाता। हालांकि जब जेसी मंच पर आती है तो जनता तुरंत पागल हो जाती है और एक कोने में
में कर्ट अपनी बंदूक के साथ छिपा होता है। अपने कुछ सामान्य चुटकुलों के बाद जेसी ने मारियो और कर्ट के साथ अपने स्प्री अनुभव के बारे में बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स के लिए कर्ट की भूख ने उन्हें थोड़ा आत्मचिंतन करने का मौका दिया। खुशी अधिक सब्सक्राइबर संख्या में नहीं पाई जा सकती और व्यूज की संख्या चाहे कितनी भी हो, दूसरे लोगों के मनोरंजन के लिए आपको केवल आका जाएगा और नफरत की जाएगी। वह मंच पर अपना फोन तोड़कर, माइक गिराकर, सोशल मीडिया पर अपनी निर्भरता खत्म करके और सभी को सदमे में छोड़कर अपना सेट खत्म करती है। उसके भाषण से प्रभावित होकर कर्ट ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी किए बिना जाने का फैसला किया, केवल यह जानने के लिए कि उसकी हत्या की होड़ के कारण स्प्री सेवा अस्थायी रूप से निलंबित है। कर्ट को गोगो नामक एक अन्य ऐप के माध्यम से सवारी मिलती है और वह डेविड नामक एक मिलनसार व्यक्ति की कार में चढ़ जाता है, जो तुरंत मजाक करता है कि वह पागल ड्राइवर नहीं है जो पूरी रात लोगों को मार रहा है। कर्ट इसे व्यक्तिगत रूप से लेता है और डेविड को कुछ ही सेकंड में मारने में संकोच नहीं करता। बार में वापस जेसी माइक के साथ काम करते करते थक गई है, जो सोशल मीडिया छोड़ने पर भी उसकी रिकॉर्डिंग बंद नहीं करेगा, और वह गोगो को बुलाकर उसे छोड़ने का फैसला करती है। डेविड की कार आती है लेकिन कर्ट गाड़ी चला रहा है और वह जेसी को बताता है कि वह पहले से ड्राइवर है जिसका उसने अपने सेट में मजाक उड़ाया था। वह उसे यह भी बताता है कि वह उसके शो में था, इसलिए वह जानता है कि वह मदद के लिए अपने फोन का उपयोग नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने उसे तोड़ दिया है। यह सोचकर कि जेसी असहाय है, कर्ट ने उसे सूचित किया कि वह उसे अपने घर ले जा रहा है ताकि वे नफरत के बजाय प्यार का इजहार कर सकें। लेकिन जेसी फोन चार्जर कॉर्ड से लड़ती है और उसका गला तब तक दबाती है जब तक कि कार एक कचरा कंटेनर से नहीं टकरा जाती। कर्ट ने आवेश में आकर कार रोक दी और जेसी को मुक्का मारकर और उसे नीचे गिराकर जवाब दिया। फिर वह उसे अपने सामने के लॉन में ले जाता है जहां वह उसके शरीर को अपनी हेडलाइट्स में खींचता है। वह दर्शकों से पूछता है कि उसे उसके साथ क्या करना चाहिए और दर्शक चुनते हैं कि उसे मार देना चाहिए। जैसे ही उसके दर्शक चैट को स्पैम करते हैं, कर्ट उसे कुचलने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि जब वह गिरे हुए कैमरे को ठीक करने के लिए रुकता है तो उसकी नज़र जेसी पर से हट जाती है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए कार छोड़ देता है, जबकि चैट उसे उसकी मूर्खतापूर्ण हरकत के लिए बुलाती है। दर्शक सही साबित हुए, जेसी ने कार में बैठने और पहिया संभालने के अवसर का उपयोग किया, तुरंत कट को नीचे गिराने के लिए वाहन का उपयोग किया। हालांकि वह नियंत्रण खो देती है और उसकी ड्राइविंग के परिणाम स्वरूप कार उसके घर के ठीक सामने दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और कट के पास इससे बचने के लिए जगह होती है। फिर वह जेसी का चेहरा एयरबैग पर धकेल कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेसी उसे धक्का दे देती है और कर्ट दूसरे कमरे में भाग जाता है। जबकि जेसी लाइव स्ट्रीम को बताती है कि उसे मदद की जरूरत है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि यह सच है। क्रिस भी आता है और कर्ट की माँ को फर्श पर मृत देखकर घर को नष्ट हो गया देखकर हैरान रह जाता है। तब पता चला कि वह कर्ट की पहली शिकार थी। उसने पाठ देने के लिए उड़ान भरने से ठीक पहले ऑफ स्क्रीन उसकी हत्या कर दी थी। अचानक कर्ट बाहर आता है और अपनी कार से बॉबी की बंदूक उठा लेता है, जिसका उपयोग वह अपने पिता को कुछ बार गोली मारने के लिए करता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। इस बीच जेसी कार में भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब रिवर्स में जाने से काम नहीं चलता तो वह बस आगे बढ़ती है और कर्ट को दीवार से कुचल देती है। चैट उसे शरीर की जाँच करने के लिए कहती है और जेसी यह पता लगाने के लिए ऐसा करती है कि कर्ट अभी मरा नहीं है। उसे अपने फोन से उसका सिर फोड़कर काम खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि कुछ मिनट पहले का फ्लैशबैक दिखाता है कि कर्ट एक चैंपियन की तरह महसूस कर रहा था क्योंकि उसे 50,000 लोग देख रहे थे। फिर चैट में शरीर के साथ एक सेल्फी मांगी जाती है और जेसी इसके लिए जाती है। अगले दिनों में कर्ट का मामला वायरल खबर बन गया। जेसी एक मल्टीमीडिया क्वीन के रूप में पहले से कहीं अधिक प्रसिद्ध हो गई है और हालांकि कर्ट को सभी पत्रकारों द्वारा तिरस्कृत किया जाता है, उसे 4chan और रेडिट जैसे नेट के कुछ गंदे हिस्सों द्वारा एक नायक के रूप में देखा जाता है। जैसे ही ये मंच कर्ट के लिए प्रशंसा से भर गए, एक उपयोगकर्ता ने खुलासा किया कि वे उसके बारे में स्प्री नामक एक फिल्म बना रहे हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।